एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। ये वीडियो है अ मैन हू नेवर गिव अप। सो यस, हम बात कर रहे हैं एमएस धोनी की। और एमएस धोनी जी ने जो रिस्पेक्ट अर्न की है पूरी दुनिया में अपने क्रिकेट कैरियर से, सो गाइज आपके सामने ही है उनका कैरियर। चलते वीडियो की तरफ और रिएक्शन दे लेते हैं। सो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। चैनल पर नहीं हुआ तो गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस मिल जाएं आपको। और जो है एमएस धोनी के बारे में तो आप लोग भाई जानते ही हैं, तो उनके बारे में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वैसे 2018 में उन्होंने जो है वो एज अ कैप्टन जो है आईपीएल जो है वो उसमें कैप्टन रहे हैं। और धोनी जी जो हैं वो काफी जबरदस्त खेले हैं और वर्ल्ड कप में भी 2011 में भी वो जो हैं वो कैप्टन रहे हैं जिसमें वो विनिंग थे। और इसके अलावा उनके अंडर जो है वो 2013 में भी ट्रॉफी उन्होंने जीती थी, चैंपियन ट्रॉफी जो कि उन्होंने जीती थी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और कुछ जानते हैं उनके बारे में फैक्ट्स। सो आप लोग उनके बारे में कुछ एक लाइन जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आप एमएस धोनी के जब अल्फाज एमएस धोनी आप सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है उनके बारे में, सो जरूर मुझे बताइएगा। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So Rafiq will continue. Virendra Singh Dhoni has come out to the middle. He's the man from Jharkhand. He's sent back. The Bills. Keep looking. What is this? What is this? What is this? What is this? बहुत दूर है, 1500 रुपए जाने, 1500 रुपए आने, बोले तब फिक्र नहीं रहो चाचा, होटल में रहो, तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ। आदमी ने लाकर मुझे दीदी दे दिया और एक और उन्होंने वादा किया है कि इंडिया की T20 फिगर नहीं दो। बोला धर्मशाला बहुत छोटा स्टेडियम है, बोला चाचा फिगर ही दे रहा हूँ, तो पता है मैं पाकिस्तानी सपोर्टर हूँ, फिर भी वो मुझे जितने देता है, मैं ही डबल पॉलिसी हूँ, दीदी दुखते रहता हूँ, फिर भी दिल है पाकिस्तानी दे, मेरे दिल से दुआ होती है पाकिस्तान एक बार जरूर। देखें, नो डाउट धोनी जिस तरह टीम को लेके चलता है और मैं हमेशा उसकी कप्तानी की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं और मेरे ख्याल में उसने जिस तरह टीम का कंपटीशन बना रखा asking you to have a haircut, but if you were to take my opinion, if you were to take my opinion, you look good in this haircut. Don't have a haircut. Okay. Thank you very much. In his shoulders, MS Dhoni is the striker. Oh, it's a mighty blow. That's a magnificent six. He crashes it into the fence. It goes for six.
and finish it off in style with MS Dhoni. Smashes that. Once again, Mahendra Singh Dhoni is there at the end. And India complete a famous... Dhoni goes bang down the ground. Anything full of strain, Dhoni wicks it. Ball that'll go all the way for four, short and wide. Dhoni got the helicopter out. Oh, he's found the gap. He's found the gap well enough for four. He finally went for it. And it pops up. I think he's done a remarkable job, Michael Clarke, just to get there. He advances, hits it hard, over cover. Six runs. Great strike from MS Dhoni. We've been waiting for that. What a way to bring up your 50. He's just plodded along, MS Dhoni. He goes again, struck down the corner. He made India T20 champion. So Pakistan ke saath tha. Through the defense. Bolden. Off stump goes for a toss. In the air, Srishant takes it. India wins. India, the world TT champions. So first time jo jeeta hai wo bhi inki wajah se. He's heaved it over. There is a man there. Oh, he's taken him. Ooh. Nice. Oh, he's knocked him over. Middle stump. What have you done? Oh. They take a run. There's a run out. You're sure. Six in the bank. Treadwell misses. Dhoni misses, but it doesn't matter. Champions trophy for the first time. Now he's winning as moment there. Capitulate. It was their game. Happy moment. Wow, amazing guys, emotional कर दिया वीडियो ने तो बहुत ज्यादा. और नो डाउट उनकी जो धोनी सर हैं उनकी जितनी भी रिस्पेक्ट करें उतना ही कम है. उन्होंने उनकी जो पैशन है ना, पैशन वो नजर आता है इनके अंदर. और जिस तरह से वो कैप्टन बनकर उन्होंने जो अपना रोल अदा किया है, आई थिंक ये इससे बेहतरीन आज तक कभी किसी ने नहीं किया है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि MS धोनी जो है वो बेस्ट कैप्टन भी रहे हैं. उन्होंने बेस्ट जो है वो अपने अपने गेम खेले, अपनी मैच को दिल से उन्होंने खेला हमेशा. और इस बात पे लोगों ने उनको उनकी तारीफ भी की है. और छक्के चौके मार मार के उन्होंने अपना एक रिस्पेक्ट ऑन की. उसके बाद फिर उन्होंने अच्छा, वो एक अच्छे क्रिकेटर के तौर पे मैं कहूंगी कि कैप्टन ही अच्छे क्रिकेटर नहीं बल्कि एक रियल लाइफ में भी एक वो जेम है. वो हर किसी के साथ नॉर्मल रहते हैं, पोलाइट रहते हैं. और लोगों की अटैचमेंट शायद इसी वजह से धोनी सर के साथ बहुत ज्यादा है. आप देखिए इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों ने भी उनको कितना अप्रिशिएट किया है. शाहिद अफरीदी ने, परवेज मुशर्रफ ने उनको अप्रिशिएट किया है. और उस टाइम पर वैसे भी पाकिस्तान के रिलेशनशिप भारत के साथ बहुत अच्छे थे. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि रिलेशन अच्छे हो या ना हो, लेकिन मैच में कभी भी ये पॉलिटिक्स को लेकर आना भी नहीं चाहिए. तो आई थिंक कि धोनी सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है. जिस तरह उन्होंने चैंपियनशिप और ट्रॉफी 2013-11 में जो है वो जितवाई,
इसके अलावा आईपीएल में भी वो विनिंग मोमेंट में वो रहे कैप्टन, मतलब उनकी कैप्टनसी हम कह सकते हैं कि नो डाउट बहुत 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 जबरदस्त है। इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है चैंपियनशिप ट्रॉफी भी जितवाई है, और इसके अलावा वर्ल्ड कप उनके वजह से जीते और कहते 28 ईयर्स के बाद वो जीत पाए, तो काफी लॉन्ग टाइम के बाद। तो आज इस बार भी वर्ल्ड कप में लोग इसीलिए शायद धोनी जी को बहुत याद कर रहे थे, क्योंकि एमएस धोनी सर नो डाउट बहुत ही एफर्ट करते थे, बेस्ट कैप्टन भी थे, और मतलब उनकी बैटिंग स्किल्स भी अच्छी थी। आप देखें ना कैसे छक्के चौके मारते थे, और स्पेशली जब विनिंग मोमेंट था तो आप देखें कि उनके फेस पर जो एक मेहनत के बाद एक जो मिलता है, फल मिलता है, तो इंसान कितना वो इमोशनल हो जाता है। तो वो इमोशनल जो अटैचमेंट है वो मुझे फील हुई धोनी सर से। सो वैसे तो इंडिया में आप सचिन तेंदुलकर सर को देखें, वो भी एक हिस्ट्री क्रिएट किया उन्होंने, उनका भी नाम है। उसके बाद आप देखें तो विराट कोहली भी हैं, लेकिन सचिन एमएस धोनी जी की जो बात है वो अपनी है, और उनको देखकर ना लिटरली लगता है कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं, ऐसे कैप्टन हैं जो हमेशा अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं और बहुत ज्यादा दिल से खेलते हैं। और आई थिंक यही चीजें होती हैं जो आपको जो है ना मोटिवेट करती हैं, और आपकी ऑडियंस को जो है ना वो आपके साथ और ज्यादा अटैच करती हैं। तो गाइज लिटरली इस वीडियो ने मुझे गूज़बम्प दिया बहुत वाला हैवी लेवल का, और दूसरा इमोशनल भी कह सकते हैं, हार्ट टचिंग भी कह सकते हैं, जो है वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरा वो मैंने एक चीज नोट की इनमें कि बहुत ज्यादा लोगों को ना सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे वो अंकल कह रहे थे कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मतलब टेंशन नहीं लो, सब कुछ हो जाएगा, तो मतलब वो सपोर्टिव बहुत ज्यादा हैं। फिर वो ये नहीं देखते कौन क्या है कौन क्या नहीं, बस वो जो उनके साथ अटैच है वो उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये चीज बहुत बहुत अच्छी बात है। और बेस्ट प्लेयर की बात भी यही होती है कि वो पहले जो थे ना वो बाद में भी वैसा ही उनका एटीट्यूड रहना चाहिए, क्योंकि आप कुछ बन जाओ उसके बाद आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए तो वो फिर इंसान रियल इंसान नहीं होता। मैं कहती हूँ जो आप शुरू से हो ना वही आप बाद में भी होने चाहिए, तो वो चीज हमें एमएस धोनी सर में देखने को मिलती है, एंड लिटरली दिल से सल्यूट करने को दिल करता है हमको। तो गाइज आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, और कुछ प्यारी सी लाइंस एमएस धोनी सर के लिए जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।